हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि वेबकिस पे फुल मूवी अपडेट्स कैसे पोस्ट करते हैं और फुल मूवी पेज कैसे बनाया जाता है, और फुल मूवी को पोस्ट करने के लिए कौन से कोड की ज़रूरत होगी ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम webkis.com पे जाएंगे। अकाउंट लॉगिन करने के बाद हम पैनल मोड पे जाएंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे मैनेज पेज, उसके बाद हम होम पेज ओपन करेंगे। अगर आप होम पेज पे कैटेगरी कोड लगाना चाहते हैं तो आपको ये कोड लगाना होगा, ये मूवी कैटेगरी लिस्ट कोड है। आप चाहे तो होम पेज पे भी लगा सकते हैं और या आप एक न्यू पेज लगाकर उसमें डाल सकते हैं। इस तरह से हम बाकी के कोड भी लगाएंगे। यहाँ पर मूवी लिस्ट कोड है और मूवी डिस्प्ले पेज कोड है, और उसके बाद फुल मूवी पोस्ट करने के लिए ये कोड है। ये सारे कोड कैसे लगाने हैं तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम मूवी कैटेगरी लिस्ट कोड कॉपी कर लेंगे। इस कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से ये कोड कॉपी कर सकते हैं। चलिए होम पेज पे हम HTML टैग कोड डालेंगे, यहाँ पर हम ये कोड पेस्ट कर देंगे। इसका जो साइट URL नेम है वो मूवीज है। जब हम न्यू पेज बनाएंगे तो उस पेज का नेम भी हम मूवीज रखेंगे, ताकि जब हम होम पेज से कैटेगरी लिंक क्लिक करेंगे तो वो सीधा मूवीज पेज पे जाके खुलेगा। इस कोड का पोजीशन आप कहाँ लगाना चाहते हैं, यहाँ पर मैं मेनू के ऊपर लगाऊंगा, उसके बाद इस कोड को सेव कर देंगे। तो चलिए एक बार इसको व्यू करके देखते हैं। व्यू करने के बाद आपको ये इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद हम मैनेज पेज पे जाएंगे, यहाँ पर हम एक न्यू पेज डालेंगे, इसका नेम हम मूवीज रखेंगे। चलिए इस पेज को ऐड करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा मूवीज पेज आ गया है। तो चलिए इस पेज को ओपन करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर मूवीज फाइल लिस्ट कोड डालेंगे, इस कोड को भी हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर HTML टैग कोड डालेंगे और इस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो चलिए इस कोड को हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इस कोड को हम व्यू करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर मूवी को पोस्ट करने के लिए एक कोड डालेंगे, वो कोड इस तरह का होगा। तो चलिए इस कोड को भी हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इस कोड को हम HTML टैग कोड में डालेंगे, यहाँ पर हम इस कोड को पेस्ट कर देते हैं, उसके बाद हम इस कोड को सेव कर लेंगे। तो चलिए इसको भी हम व्यू करके देखते हैं। व्यू करने के बाद आपको ये कोड इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद हम मूवीज़ को व्यू करने के लिए एक डिस्प्ले पेज पे कोड डालेंगे। व्यू पेज पे कोड डालने के लिए हम डिस्प्ले पेज कोड डालेंगे। तो चलिए इस कोड को भी हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम व्यू पेज पे जाएंगे। व्यू पेज पे जाने के लिए हम मैनेज पेज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले से एक व्यू पेज बना रखा है, इस पेज को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम HTML टैग को डालेंगे और इस कोड को भी हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। चलिए इस कोड को व्यू करते हैं। कोड डालने के बाद चलिए हम इस कोड को टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम होम पेज पे जाएंगे। तो चलिए हम कैटेगरी को व्यू करके देखते हैं। इस लिंक को हम ओपन करके चेक करते हैं। ओपन करने के बाद हमें ये मूवीज़ की फाइल लिस्ट दिखाएगा।
फाइल लिस्ट दिखाने के बाद आप इस लिंक को व्यू कर सकते हैं। तो चलिए हम मूवीज को व्यू करके देखते हैं। व्यू होने के बाद आपको ये इस तरह से दिखाई देगा। मूवीज को पोस्ट करने के लिए जो हमने कोड डाला था, तो चलिए मैं वो कोड आपको चेक करके दिखाता हूँ और उसमें एक मूवी पोस्ट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम मैनेज पेज पे जाएंगे। जो हमने मूवीज पेज बनाया था उसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको मूवीज पोस्ट करने के लिए एक फॉर्म दिखाई देगा। इसमें आप मूवीज नेम डाल सकते हैं और उसका जेनर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक्शन, एडवेंचर, कॉमेडी, क्राइम, ड्रामा, फैंटेसी और भी बहुत सारे जेनर हैं। उसके बाद यहाँ पर आप मूवी का पोस्टर इमेज डाल सकते हैं और यहाँ पर उसका रिलीज डेट, आप चाहें तो ईयर भी डाल सकते हैं या फुल डेट भी डाल सकते हैं, आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं जैसे भी चाहें। उसके बाद आप मूवीज़ का कैटेगरी कैसी है, बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, इंडियंस है या कोई और लैंग्वेज का मूवी है। उसके बाद स्टार कास्ट डाल सकते हैं, यहाँ पर उसका लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज का मूवी है। यहाँ पर आप वीडियो का लेंथ डाल सकते हैं। उसके बाद उसका क्वालिटी और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। यहाँ पर आप मूवी का लिंक डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर उसका साइज, उसके बाद आप यहाँ पर पोस्ट कर देंगे। पोस्ट करने के बाद आपका मूवी यहाँ पर शो करने लगेगा। तो चलिए मैं आपको एक मूवी पोस्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम कोई भी वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पर जो भी मूवीज होगा उसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन होने के बाद मूवीज़ का नेम हम कॉपी करेंगे और ये मूवीज नेम है, यहाँ पर हम मूवीज़ का नाम डाल देंगे। मूवी का पोस्टर लिंक हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर उसका इमेज डाल दिया है। उसके बाद रिलीज डेट, यहाँ पर रिलीज डेट है 11 अगस्त 1990, इसको हम कॉपी करके यहाँ पर डाल देंगे। कैटेगरी दोस्तों ये है हॉलीवुड, ये हॉलीवुड मूवी है तो यहाँ पर हम हॉलीवुड सेलेक्ट कर देंगे। स्टार कास्ट में यहाँ पर है, यहाँ पर हम कॉपी कर लेंगे। इसका लैंग्वेज है हिंदी, यहाँ पर हम हिंदी कर देंगे। यहाँ पर ब्लूरे कर देंगे। लेंथ इसका 1 आवर 35 मिनट्स हैं, यहाँ पर हम डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन को भी हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को डाल देंगे। मूवीज़ का लिंक, ये इसका मूवी लिंक है, इसको भी कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे। उसके बाद इसका साइज, मूवी का साइज भी हम यहाँ पर डाल देंगे। और उसके बाद हम इसको पोस्ट कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये मूवी यहाँ पर आ गया है। तो चलिए मैं आपको इस मूवी को व्यू करके दिखाता हूँ। देखिए व्यू होने के बाद आपको ये इस तरह से दिखाई देगा। जो भी हमने मूवी का डिटेल डाला था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस तरीके से दोस्तों आप अपना फुल मूवी साइट बना सकते हैं और यहाँ पर मूवीज़ पोस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये कोड लगाने से हमें बहुत फ़ायदा होगा और मूवी को पोस्ट करना बहुत ही आसान हो जाएगा और आप आसानी से अपना फुल मूवी साइट बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस कोड का फ़ायदा ले सकें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।